नमस्कार और स्वागत है तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्पोर्ट्स टॉक नेटवर्क पर। तो आज दूसरा T20 मैच खेला जाएगा एच बेस्टन में। यहीं पर हम टेस्ट मैच हारे थे, लेकिन क्या T20 मैच में हम यहां पर जीत दर्ज कर पाएंगे? और इसीलिए तो हमने अपनी टीम बनाई है कि भारतीय टीम भी जीत रही है। हमारी फैंटेसी टीम ने भी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस करके दिखाया। पहले मैच में हार्दिक पांड्या को हमने लिया था भाई मैन ऑफ द मैच, 50 रन 4 विकेट। कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया इतने पॉइंट्स हमने जीत लिए कि बोड़ी उठाकर भी जाओ तो भी मतलब परेशान हो रहे कि इतनी जबरदस्त हमने टीम बनाई थी। और यह सिलसिला स्पोर्ट्स टॉक पर लगातार आपने देखा कि आईपीएल से चलता बाहर है, लेकिन आज दूसरा मैच है शशांक और जबरदस्त कॉन्टेस्ट होगा। टीम हमारी पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल सही बात है। और पहले मैच में भी हमने शानदार टीम बनाई थी, अभिषेक शानदार टीम थी वो, और ये भी वैसी टीम बनने वाली है। और पहले T20 मैच में तो हमारी इंडिया टीम ने भी कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया है, क्योंकि उन्हीं के खिलाड़ी ज्यादा इस बार भी हमारे पास में है। जी जी, जब वो अच्छा करते हैं तो हमारे जो पॉइंट सिस्टम है वो भी अच्छा होता हुआ नजर आता है। इसलिए जो हमने इस बार टीम बनाई है वो और भी बेहतरीन टीम बनकर के आई है अभिषेक। और ये टीम जो है वो गारंटी करती है कि आप भी जो है वो ढेर सारे प्राइजेस जीतेंगे अपने। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, उसे भी आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। रीजन क्या है कि अगर इस टीम में कुछ भी परिवर्तन हो जाता है, आनन फानन में कुछ नए खिलाड़ी अगर आ जाते हैं, कि आज तो बड़ा सवाल है कि विराट कोहली खेलेंगे, दीपक हुडा खेलेंगे, ऋषभ पंत खेलेंगे, डीके रहेंगे नहीं जाएंगे, तो कुछ भी अगर चेंज हो जाता है तो हम आपको फटाक से इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई आप इनकी जगह इन खिलाड़ी को ले लें। और उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो लिंक दे दिया। लेकिन अब आपको टीम भी दिखा देते हैं, तो आप अपने स्क्रीन पर टीम देख सकते हैं। और बाएं तरफ शशांक की टीम होगी, दाहिने तरफ मेरी टीम है। स्क्रीन पर आप टीम देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि भैया क्या हमने बनाया था, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। शशांक बिल्कुल। और मेरी जो टीम है उसमें अगर देखें तो विकेट कीपर मैंने एक ही रखा है, अभिषेक, जॉस बटलर को रखा है। 4 बल्लेबाज रखे हुए हैं, इवन 5 बल्लेबाज मैंने रखे हुए हैं। दीपक हुडा हैं, उसके अलावा देखें तो हैरी ब्रूक को मैंने रखा हुआ, लियाम लिविंगस्टन को रखा हुआ है, रोहित शर्मा को, और साथ ही साथ अगर देखें तो मैंने सूर्य कुमार यादव को टीम के अंदर में रखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा 2 ऑलराउंडर मेरे हैं, मोइन अली और हार्दिक पांड्या को मैंने रखा हुआ है। पिछले मैच में भी आपने लिया था और दोनों ने कमाल कर दिया था। जी जी। और 3 गेंदबाज मेरे पास हैं, चहल हैं, भुवी कुमार हैं, और क्रिस जॉर्डन को मैंने रखा हुआ है। हालांकि खिलाड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन पॉइंट सिस्टम से अच्छा दे रहे हैं पॉइंट, इसलिए प्रोफेशनल हैं हो गए हैं आप। बिल्कुल, पसंद हो ना हो लेकिन जो पॉइंट्स देगा उसको आप ले लेंगे। और कप्तान मेरे रोहित शर्मा को मैंने रखा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि इस मैच में, आज वाले मैच में रोहित शर्मा जो है वो ब्लास्ट करने वाले हैं, बड़ा शानदार। वाइस कैप्टन शशांक, वाइस कैप्टन भुवी कुमार अभिषेक, बिल्कुल वाइस कैप्टन, इसलिए भुवी कुमार ये गेंदे लहरा रहे हैं, अगर लहला दिया लहरते लहरते नजर आएंगे हमारे जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं। क्या बात है। लेकिन मैं अगर अपनी टीम के बारे में बताऊं तो यहां पर मैंने 2 विकेट कीपर रखे हैं, जॉस बटलर और दिनेश कार्तिक को मैंने रखा हुआ है। दोनों ही बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं। जॉस बटलर इसलिए भी भाई पिछले मैच में नहीं चले, इस मैच में चलने के उनके पूरे आसार हैं। दीपक हुडा, इसके अलावा मैंने ब्रुक्स, लियाम लिविंगस्टन एंड रोहित शर्मा, ये मेरे 4 बल्लेबाज हैं, बैटर्स हैं। और दीपक हुडा को आप जानते ही हैं, ब्रुक्स के बारे में क्या ही कहा जाए, जब ये मारते हैं तो ब्रोक कर देते हैं दूसरी वाली टीम को। लियाम लिविंगस्टन, रोहित शर्मा, 2 ऑलराउंडर आप ही की तरह मैंने रखा है, मोइन अली एंड हार्दिक पांड्या को मैंने रखा हुआ है। शशांक, मैंने 3 गेंदबाज रखा है, यानी कि यशवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह। आज इनकी वापसी हो रही है तो बूम बूम बुमराह के आज कुछ कर पाएंगे, मैंने इनको टीम में रखा। भुवी कुमार गजब के गेंदबाज है, यशवेंद्र चहल मैंने कप्तान मोइन अली को बनाया है, और वाइस कैप्टन मैंने हार्दिक पांड्या को बनाया है। और मैंने दोनों ऑलराउंडर को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। पिछले मैच में हार्दिक पांड्या आपके मैन ऑफ द मैच थे, और इस बार मैंने मोइन अली को कप्तान बना दिया, क्योंकि मोइन अली गेंद से बल्ले से दोनों में आप देखें तो इंग्लैंड के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस करते हैं। तो वैसे में मुझे लगता है कि ऑलराउंडर को कप्तान बनाना इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि भाई एक आप कहते हैं ना कि गारंटेड हो जाता है कि अगर विकेट ले लिया या रन बना दिए, दोनों में मौका रहता है तो आपकी टीम ज्यादा सफल होती हुई नजर आती है। शशांक, बिल्कुल सही बात है। और पिछले मैच में दोनों ही जो आपने टीम में रखे खिलाड़ी, दोनों ही खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया था। मैन ऑफ द मैच रहे थे आपके हार्दिक पांड्या, मोइन अली ने आकर के भी 2 विकेट निकाले थे अभिषेक, और उसके अलावा रन भी बना करके गए हुए थे। तो दोनों खिलाड़ी इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, और दोनों ही अपनी अपनी टीम को जिताने में लगे हुए हैं। अगर ये दोनों अपनी टीम को जिताएंगे तो हमारी टीम तो जीतनी तय है। बिल्कुल, और जीत ही रही है, हर मैच में जीत रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट इस जो लिंक है, जो हमारा चैनल है, जो वीडियो है, इसे आप फटाफट जाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फैंटेसी लीग आपको इससे बढ़िया कोई बनाकर नहीं देगा, और आपने रिजल्ट भी दिया है, तो इसीलिए हम नहीं कहते कि भाई क्या नहीं, वो दुनिया को पता है कि किस तरीके से हमने टीम बनाई और क्या शानदार रिजल्ट हमने हासिल किए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को खूब प्यार देंगे, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। और ये भी याद रखिए कि कल 7 बजे फिर से प्रीमियर हो जाएगा हमारा फैंटेसी लीग का, क्योंकि कल भी मैच है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।